नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ग्रेड 9 के फिजिक्स का एक टॉपिक देने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसकी पिछली दो क्लासेस में मैंने क्लासेस में बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, किस तरीके से फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और अलग अलग अगर हम प्लेनेटरी बॉडीज में जाएंगे तो हमारा मास या वेट इस हिसाब से चेंज होगा। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है प्रेशर एंड फोर्स। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स हमने पढ़ा है, प्रेशर एंड थ्रस्ट। ठीक है, मेरे साथ क्लास में जुड़ी हुई है हमारी प्यारी सी आर्शवी और थोड़ी देर में अबीर भी आने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर, हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई ए कैमल कैन रन इन ए डेजर्ट इजिली, वाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1,000 टन rests upon a continuous chain, why a truck or a motor bus has much wider tires, why cutting tools have sharp edges. In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concepts of the net force in a particular direction. ठीक है, जब thrust की बात करेंगे लिखो thrust, लिख दो, और thrust के आगे definition लिखो net force in a particular direction. देखते रहना, अबीर आएगा तो बता देना, तो तुम नहीं देख रहे तो पता नहीं चलता। ठीक है, लिख लिया नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रस्ट बोलते हैं। एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी लिख लो, प्रेशर प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो दो चीजें आ गई, किस तरीके से फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है, किस तरीके से थ्रस्ट लगता है, इन दोनों चीजों को हम अभी समझने वाले हैं। उसके बाद देखो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। दो सिचुएशन है हमारे पास। पहली सिचुएशन है, यू विश टू फिक्स ए पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड है उस पर आपने एक पोस्टर को फिक्स करना है। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे पिन डालते हैं, यहाँ पे विद योर थंब यू अप्लाई द फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। जैसे अगर ये बोर्ड है तो मैं फोर्स ऐसे लगाता हूँ, मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो पिन ऐसे नहीं घुसेगी, पिन पे लगाने के लिए मुझे फोर्स वैसे ही लगाना पड़ेगा। एक कारपेंटर भी जब हैमर मारता है तो 90 डिग्री पे मारता है, जब पिन निकालनी होती है तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, या फिर ऐसे साइड में मारते हैं तो साइड से क्या करता है, वो लकड़ी को फाड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि छेद खराब ना हो तो हम ऐसे होता है उसमें, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं, और जब मारना होता है तो उसके टिप पे ऊपर से 90 डिग्री पे फोर्स मारते हैं। ठीक है, यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, दिस फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एरिया ऑन द बोर्ड, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। जो फोर्स हमने इतने बड़े सर्फेस एरिया पे लगाया था वो आगे जाके एक छोटी सी शार्प एज या शार्प पिन पॉइंट पे लग रहा है। पीछे से फोर्स हमने ज़्यादा मारा, आगे से जाके एक छोटे से पॉइंट पे लग रहा है, तो क्या हो जाता है, वो उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, चलो ये देखो, यहाँ पे हम कैसे मारते हैं, ऐसे थंब से प्रेस करते हैं अंदर 90 डिग्री पे। ठीक है, ओके, ये देखो बेटा, एक सिचुएशन टू, यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड, योर फीट गो डीप इन टू द सैंड, पैर थोड़ा सा जमीन में धंस जाता है। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, अब ऐसे लेट जाओ आप, यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड, उतनी जमीन में नीचे नहीं जाएगी। इन बोथ द केसेस द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। दोनों ही केस में अगर फोर्स की बात करे जाए, चाहे आप खड़े हो चाहे आप लेटे हो, जो आपका वेट है वही तो आप सैंड पे लगा रहे हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, दोनों सिचुएशन समझ गए। एक में क्या देखा हमने कि लार्जर सरफेस एरिया पे किया, वो आगे जाके स्मॉलर सरफेस एरिया में फोर्स चला गया। दूसरे केस में हमने देखा कि फोर्स तो सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है लेकिन एरिया कम है, एक बार दो पैरों पे खड़े हैं एक बार लेटे हैं। यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ी लग रहा है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ है? नीचे की तरफ है। ग्रेविटेशन पुल किस तरफ है? नीचे की तरफ है। पुल है वो पुश तो है नहीं। हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द सैंड। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अच्छे से डेफिनेशन लिख लो। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सैंड। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े। तो थ्रस्ट समझ में आ गया, वो फोर्स जो कि किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर नीचे लगता है। व्हेन यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। जो हमारा वेट था जब हम खड़े थे सैंड पे, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है नीचे वो उतने ही एरिया पे लग रहा है जितने का हमारे पैरों का एरिया है। शरीर का एरिया नहीं, सिर्फ पैरों का एरिया, क्योंकि उतने से एरिया पे पूरा वेट लदा हुआ है। व्हेन यू लाई डाउन, जब आप लेट जाते हो, द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एस एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी। जब हम लेट जाते हैं तो पूरे के पूरे बॉडी पे क्या हो जाता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब तो पूरे बॉडी का एरिया आ गया ना, ऐसे पूरे बॉडी के एरिया के छोटे छोटे पीसेस अगर वो ग्राफ पेपर से निकालेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, बट ऑब्वियस है। दस द एफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 5 मैंगो हैं, कितने मैंगो हैं, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। और मैंगो क्या है? यूनिट। यूनिट देखिए, किसी भी चीज को बताने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट चाहिए होती है। ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट, तो उसी मैग्नीट्यूड का दोनों ही केसेस में अलग अलग है। इन द अबो केसेस थ्रस्ट इज सेम। क्या सेम है? थ्रस्ट, कि जो वेट परपेंडिकुलर लग रहा है जमीन पे वो सेम है। ठीक है, लेकिन बट एफेक्ट्स आर डिफरेंट, देयरफोर द एफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। क्लियर दिख रहा है? ओके, तो हमारे पास आ गया कि देयरफोर द एफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। समझ में आई बात ही वाली आपको? इफेक्ट अलग अलग है, थ्रस्ट सेम है, लेकिन इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच एक्ट्स। मतलब जो उसका इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? कितनी एरिया पे है। द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। लेटे तो कम होगा। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसी थ्रस्ट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब थ्रस्ट, जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे कर रही होती है तो नीचे जो हवा होती है फ्रिक्शन डालती है उसपे, तो उसपे एक फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, जब पैराडाइविंग या पैराशूट से लोग कूदते हैं, हम लोग जब कूदते थे तो उसमें एयर थ्रस्ट का भी रोल होता था कि कितना अपवर्ड फोर्स लगेगा। आप तो नीचे जाओगे, आप पे कौन सा फोर्स लगेगा? mg, जो आपका मास है पैराशूट का, जो मास है इनटू ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन नीचे से जमीन भी क्या बोलते हैं, हवा भी आपको ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है, तो जो नेट फोर्स होता है वो mg माइनस अप थ्रस्ट वाला फोर्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला लिख लिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। लिख लो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। चलो आगे देखते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इन इक्वेशन 10.20, वही वाली इक्वेशन में, वी गेट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे प्रेशर
तो ये बोलते हैं बेटा कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स को मान लो 1 न्यूटन कह लो और एरिया को मान लो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। हम लोगों को जब भी यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है हम सब जगह पे 1 1 लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट ब्लेस पैस्कल द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड पैस्कल, डिनोटेड बाई पी ए। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा डिफाइन 1 पास्कल, ठीक है, कोई बोल दे कि भैया 1 पास्कल को डिफाइन करो, क्या होगा? ये तो बेटा आपने उसको वैसे ही बोल दिया, मैं कह रहा हूँ समझाने को, आप समझो तो उसको रियल लाइफ में समझो कि कैसे मैं 1 पास्कल के प्रेशर को महसूस करूंगी। हाँ, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा किस पे लगेगा, मान लो कि ये क्या बोलते हैं, ये किसी विलन का गाल मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लो इसके प्यारे प्यारे गाल हैं, ठीक है, और इस गाल में जब ये इसका एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और इस गाल पे जब 1 न्यूटन का थप्पड़ लगेगा तो हम बोलेंगे प्रेशर 1 पास्कल है, पर 1 न्यूटन को कैसे समझा जाएगा, तो 1 न्यूटन क्या होता है बताओ, 1 न्यूटन याद है, नहीं याद है, न्यूटन का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं पूछूं 1 न्यूटन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 1 kg मास का ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करने लगे। आए अबीर आगे, तो अगर 1 किलो का इंसान हो और उस पर हमने एक फोर्स लगाया, हमें नहीं पता कितना, पर उस फोर्स को लगाने के बाद 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड में चेंज आ गया, तो हम बोलेंगे फोर्स कितना था, 1 न्यूटन का। और वही फोर्स जब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रहा है तो हम बोलेंगे कि ये 1 पास्कल के बराबर, इसके बराबर है 1 पास्कल। और ये पास्कल क्या है, ये प्रेशर है। बोलते ना यार प्रेशर मत देना, तो कोई कल को बोले यार तुमने बहुत प्रेशर दे रखा है, उसे पूछना प्रेशर की यूनिट क्या है, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा, तो यूनिट में खो जाएगा, अरे यार बढ़ जाएगा प्रेशर, बढ़ जाएगा। ये देखो, तो जब तुम उसको बताओगे ना कि इसका रास्कल है, तो पास्कल की जगह पे आर डाल दोगे तो फिर खुश हो जाएगा, अच्छा रास्कल ये भी कोई यूनिट होती है, बोले नहीं पास्कल है वो। तो कैसे लिखते हैं देखना, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है, ठीक है, कोई पापा लिख के मत आ जाना। इसी की एक यूनिट और भी होती है बेटा, जिसको हम ATM बोलते हैं। ATM कौन सी यूनिट है, एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है ये 1 एटमॉस्फेयर होता है, कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, मतलब हम पे प्रेशर लग रहा है पर क्योंकि चारों दिशाओं से लग रहा है इसलिए हम यहीं स्टेबल है, पर अगर हवा बहुत तेज चलती है तो जिस तरफ से हवा चलती है उसी डायरेक्शन में हम लोगों की, मान लो अगर साइकिल चला रहे हैं तो स्पीड हो जाते हैं, साइकिल अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोलते हैं ना एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ साइकिल चल नहीं रही, ताकत ज़्यादा लग रही है क्योंकि वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है। समझ में आ रहा है अबीर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर भी कुछ होता है, उसका रिलेशनशिप होता है एटमॉस्फेयर के साथ, 10 to the power पता नहीं कुछ 5 पास्कल के बराबर होता है, 1.01 × 10 to the power 5 पास्कल ऐसे होता है। 1 ATM इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, तो जो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, छोटा मोटा नहीं है, 10 to the power 10,000 lakh, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, करीब करीब 10 to the power 5 मान लो, 10 to the power 5 पास्कल, मतलब अगर उसको तुम समझना चाहो 10 to the power 5 पास्कल को, तो कैसे समझोगे बेटा, 10 to the power 5 पास्कल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मान लो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 1,00,000 न्यूटन,
1 लाख न्यूटन का फोर्स, 1 लाख न्यूटन का मतलब समझती हो कि एक 100 किलो का आदमी है, अगर 100 किलो के आदमी को 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड का एक्सेलरेशन मिल जाए तो समझना कि उसको 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगा है। तो 100 किलो के आदमी को अगर 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड का एक्सेलरेशन मिल जाए तो जो कितना एक्सेलरेशन होगा, 1000 मीटर, मतलब समझ रही हो कि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला गया वो आगे, है ना। अभी वो रेस्ट पे था, उसको थप्पड़ पड़ा, वो 1 किलोमीटर दूर जाके गिरा, तो हम बोलेंगे कितना कितना लगा उसको, 1 लाख न्यूटन 100 किलो के आदमी को। हाँ, तुम्हारा तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, तो आधा वजन है तुम्हारा 50 केजी का, 50 केजी को तो 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा, उसको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। हालांकि तुम्हें कोई मारेगा नहीं तो इतना समझ रहे, इतना प्रेशर हम पे चारों दिशाओं से लग रहा है, हर टाइम लग रहा है, लेकिन क्योंकि बैलेंस्ड है, नेट फोर्स हम पे क्या है, जीरो, क्योंकि सभी डायरेक्शन से। इसलिए कहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं। अच्छा, हमारे एक कुदरत ने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो भी 1 एटमॉस्फेयर है, पता है तुम्हें। अच्छा, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए हम लोग बैलेंस्ड है, नहीं तो अंदर जो लिक्विड होता है वो भी प्रेशर देता है। ये जो लिक्विड दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर, ये भी प्रेशर देता है। किसको प्रेशर दे रहा है, इस दीवार को दे रहा है, इस जमीन को दे रहा है। अगर ये ना हो तो निकल जाएगा, अगर ये ना हो तो बाहर फैल जाएगा, तो इसको दे रहा है और नीचे दे रहा है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो खून है वो किसको दे रहा होगा, एक तो नीचे की तरफ दे रहा होगा, अगर हमारा हाथ ऐसे है, जो जो वेन्स होगी उसको नीचे की तरफ दे रहा होगा, प्लस उसके चारों तरफ भी दे रहा होगा, प्लस दिल धड़कता है वो भी पंप करता है, उस प्रेशर से वो निकलता है। तो इसीलिए इसी हाँ, कट लगने को तो लगता है, पर मैं कह रहा हूँ कि कट ना लगे अगर, और बाहर का प्रेशर अगर ना हो, वैक्यूम में किसी को डाल दिया जाए, तो शरीर से नसें फट के बाहर आ जाएंगी। इसलिए जब आसमान में जाते हैं तो एक बॉडी सूट पहनते हैं, उसमें 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन रखते हैं। अगर नहीं मेंटेन होगा तो नसें फट जाएगी, नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी, कान से ब्लीडिंग हो जाएगी। हमारे एक सर थे, वो रिस्क लेके देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, सवाल है, मैं चाहता हूँ कि सवाल को करो आप लोग। दो पर्टिकुलर, एक ही बॉक्स है, उसको अलट पलट के रख दिया गया है, एक बार ऐसे रखा है, एक बार ऐसे रखा है। आप लोगों से पूछा गया कि दोनों ही केसेस में आपको प्रेशर बताना है, ठीक है, और इसका मास इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशन आर 40 cm × 20 cm × 10 cm। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड इन बाई द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ द डायमेंशन 20 × 10। एक बार 20 × 10 पे और एक बार 40 × 10 है। ये सवाल फिजिक्स का नहीं है, ये सवाल तुम्हारे कॉमन सेंस का है कि तुम यूनिट को किस हिसाब से कन्वर्ट करते हो, क्योंकि अभी अभी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया उसमें सब चीज एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तुमने बस यही करना है, तुमने फोर्स तो दे रखा है, कितना है, 5 kg। हाँ, ये मास है, हाँ फोर्स निकालना पड़ेगा था। तो तुम्हें मास पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, कितना है, 9.8 m/s² और एरिया तुम्हें दो अलग अलग केसेस में निकालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग निकालो, इस सवाल को करो और अपना अपना प्रेशर बताओ, बिना किसी प्रेशर के सवाल को करो और अपना अपना प्रेशर बताओ। यार फॉर्मूला क्या था न्यूटन न्यूटन का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। का? 10 ही रह सकते 10 बेटा मैं तो लेता था, लेकिन मैंने जब सॉल्यूशंस देखे तो उसमें 9.8 ही लिया हुआ है, तो उसको इज्जत दो, 9.8 ही ले लो। तुम कॉपी तो नहीं कर रही, ठीक ठीक ओके। नहीं, क्वेश्चन तुम वहां से भी देख सकती हो, पर तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि मैं क्वेश्चन ही देख रही हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा ठीक है।
ईयर तुमने मस्त किया था तुमने बोला यार ये तो यही आएगा पर मैं क्या सिखाना चाह रहा था वो अब तुम्हें समझ में आ गया। मैं दिखाना चाह रहा था कि 10 की पावर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला प्रेशर का क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको फोर्स निकालना है। कुछ टेबल्स याद करी जा सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई चल करते हैं। हो गया, मतलब हो गया? चलो बताओ। पहले उसको करने दो, मैं बाद में कर लूंगा, बोल लूंगा। 0.02, 49/0.02। तो बेटा 0.02 को तुमने कर देना है 100/2 और 49 का हाफ कर दो। कितना होता है 49 का हाफ? 29.5 29.5 नहीं, 24.5। 24.5 50 हो होता है, 50 का हाफ होता है 25, तो एक कम है उससे, तो आधा कम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2450 पास्कल। ठीक है, अगर तुमने ये सही निकाला था तो मुझे नहीं पता तुम जो 0.02 बोल रही थी एरिया ये। ठीक है ठीक है, दूसरे का निकाल लो। बेटा फोर्स तो सेम है। हाँ फोर्स तो सेम ही है क्योंकि वजन तो वही है। तो 1225 अच्छा आधा कर दिया, 49 को 4 से करेंगे ना। वो मुझे थोड़ी पता है, मैं तो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ मेरा ही सवाल मुझे से पूछ लेते हो, मुझे तो नहीं जवाब दो। बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोल रहे हो? ठीक, तो मैंने लिख दिया जो तुमने बोला। अच्छा नहीं, मैंने बोला 1225 1225। वैसे भी मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही आएगा, इसका हाफ हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो 10 तो दोनों में ही है, सिर्फ ये डबल हो गया है, सिर्फ 20 का डबल हो गया है। तो क्योंकि डबल हुआ है तो नीचे अगर डबल होता है तो हाफ हो जाएगा ओवरऑल। इसका एरिया कितना आया था? हाँ 200 आया। 200 हाँ मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दोगे तो फिर भी मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.02 आया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक साइड जो है इसकी डबल है, दूसरी साइड तो सेम ही है, एक साइड डबल है। अगर इस एरिया को इससे डिवाइड करोगी तो क्या रेशियो आएगा? 2:1 का, ये उसका दुगना हो गया ना क्योंकि एक साइड डबल है। तो एरिया कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में। तो अगर कोई चीज़ नीचे डबल हुई है तो असल में तो वो हाफ हो गई ना, असल में तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया तो सेम ही आएगा, आपने सिर्फ हाफ कर देना है। तो पहला वाला 2450 था तो दूसरा वाला उसका हाफ हो जाएगा 1225। आप करोगे तो भी वही ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमें जल्दी सोल्यूशन चाहिए होता है तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से हम रेशियो देख लेते हैं और फिर हमारा जवाब जल्दी आ जाता है। अगर मान लो और एक्सटेंड कर देते हैं इसी को, मान लो ये आपका 20 हो जाता, ठीक है, और ये 40 हो जाता, तब कितने का फर्क पड़ता? तब इसका भी हाफ कर देते। नहीं एट का, एक सेकंड बोलो क्या बोल रही हो? 49/(100/8)। अच्छा 100/8। तो मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ आज की डेट में, ऐसे आप समझो कि दो तरीके होते हैं इसको करने के, या तो 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 6 जा 48।
एक आ गया, तो वन और जीरो मिलके क्या बन जाएगा, 10। तो 8 बन जाए 8। वैसे हमेशा याद रखना कि 1 to 5 ही आना है। हाँ मैं बताता हूँ क्यों, ध्यान से समझो आप। मैंने बोला बेटा 1/2, इस चीज़ इस टेक्निक को सीख लो, अगर सीख जाते तो हर जगह काम आएगी। मैंने बोला 1/2, तो इसको आप निकालते हो ऐसे 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/10 हो गया। 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/10 हो गया। 5/10 मतलब ये तो पता ही हमें, 0.5। मैंने बोला बेटा 1/4, तो 1/4 में 2 कितने हैं, 2, तो मैं 2 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो गया 25/100, 0.25। ठीक है, 1/8 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से, क्या आएगा 125/1000, क्या आएगा 0.125। 1/16 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो ये हो जाएगा 625/10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0625। फिर बोला 1/32 है, इसको हम कर देंगे 3125 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3125/10^5 कर देता हूँ मैं सीधे, तो 0.03125। समझ में आया। अब आप देखो 49/8 है, जल्दी से करना सिखा रहा हूं। हमने इस 49/8 को हम लिख सकते हैं 6/1/8, बोलो लिख सकते हैं। और 1/8 अभी भी सिखाया मैंने कितना होता है, 0.125। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6.125 × 100, तो हो जाएगा 612.25। कितना आया तुम्हारा, 600 आ गया तुम्हारा, 6 तो नहीं आना चाहिए, 8 कैसे आया आपका। अच्छा ये वाले क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन दिया वो किया था क्या आपने, यहाँ 20 करने के बाद। हाँ तो 20 क्यों लिया आपने, फिगर में कुछ और दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और है। अच्छा वैसे अभी अबीर ने इसके हिसाब से सही की है, इसके हिसाब से तुमने सही किया। ठीक है अबीर, ये मैं तो तुम्हारे फिगर लिए, देख रहा ये था। तुम्हारे लिए लर्निंग है, ये साला धोखा दे दिया तुमको ये धोखा देने के लिए था। ठीक है चलो शाबाश, तो सलूशन भी देख लेते हैं हम लोग, सलूशन भी देख लेते हैं। सर मैं तो फिगर देख रहा था। तो ये देखो बेटा क्या है, 612.5 न्यूटन/m² या पैस्कल बोलोगी, और पहले का कितना था, 245। हाँ 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 ठीक है, समझ में आ गया। एक का 2450 है, एक का 612.5, और ऐसे ऐसा धोखा भी हो सकता है अभी है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है चलो, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, फ्लूइड्स भी प्रेशर लगाती है, तो यहाँ से आ गया, दस द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एग्जर्ट्स ए लार्जर प्रेशर एंड द स्मॉलर प्रेशर ऑन द लार्जर एरिया। ठीक है, अगर स्मॉलर प्रेशर है तो ज़्यादा एरिया में लग रहा है। दिस इज द रीजन वाई ए नेल हैज ए पॉइंटेड टिप, नाइव्स हैव ए शार्प एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव ए वाइड फाउंडेशन। जो बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है वो बहुत चौड़ी होती है ताकि गिरे नहीं। तुम सोचो ऐसा घर बना दो कि मैंने देखा ऐसा घर, मतलब गजब कॉमेडी थी, पता कैसा था वो, मतलब ऐसे था वो, बस इतनी सी जमीन थी नीचे। ठीक है, और इसके ऊपर
उन भाई साहब ने मतलब मैं तो ताज्जुब हो गया था कि ये बनाया कैसे किसी ने। सर जो फेल हो जाते हैं इंजीनियरिंग में उनको ये करना पड़ता ऐसे बनाया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब कमरे उमरे सब कुछ, मतलब इतनी सी जमीन नीचे बची थी, उसने इस पे ऐसे खड़ा किया। और इसके बाद सीढ़ियाँ नहीं, दीवार पूरी। हाँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी थी उसने, छोटी सी सीढ़ियाँ, इसके इसके साथ साथ ऐसे सीढ़ियाँ बना रखी थी उसने। ठीक है, तो दीवार थी, उसी में साइड में सीढ़ियाँ कटी हुई थी, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ऐसे ऊपर, फिर ऊपर था उसका। मैंने कह रहे तो खतरनाक ही इंजीनियरिंग लगा दी थी उन्होंने। और जो आपकी पिन होती है उसके एजेस कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, क्योंकि पॉइंटेड रहेंगे तो फोर्स जब आपका लगेगा, जितनी कम एरिया होगी उतना ही ज़्यादा वो अंदर घुस जाएगा। हमारे टायरों में ऐसे पत्थर भी तो घुस जाते हैं, है ना, वो तो सॉफ्ट भी होते हैं थोड़े से, फिर पंचर भी हो जाता है वो। प्रेशर इन फ्लूइड्स पे अब बात करते हैं, लिक्विड किस तरीके से प्रेशर लगाती है। मैंने अभी भी बताया था आपको, जैसे ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। पहले फ्लूइड्स कौन है? जो बह सकता है, सर जो बह सकता है। हाँ मैंने बोलो। सेम चीज 8th में करी है जो भी आप कर रहे हो अभी। हाँ क्या करें, क्या करें, तुम्हारे यहाँ 1 साल पहले पढ़ा देते हैं। अभी तुम तो ऐसा करो, तुम 10th के बैच के साथ ज्वाइन कर लो। जब मैं 10th को पढ़ाऊंगा अभी 5:45 पे, तो ज्वाइन कर लो। पर उसमें साइंस नहीं चलती, उसमें मैथ्स चलती है, और उसमें मैथ्स फिर तुम्हारी जो दीदी की मैथ्स है उसी के साथ चलता है। तो जब मैं साइंस का बैच शुरू करूंगा ग्रेड 10 का ना, उसमें तुम आना, ये है ही नहीं तुम्हारे में। ना ये तो 8th में कराया था हमारे में है आई थिंक पर वो थ्रस्ट वगैरह है। अच्छा अभी थ्रस्ट ही तो पढ़ाया था, अभी बॉयंसी आएगी। मैं जो भी अभी तक प्रेशर एंड फ्लूइड्स वगैरह पास्कल्स लॉ वो 8th में था। तो आईसीएसई वालों को 8th में ही बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, उनको पहले से ही मैच्योर बनाना शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर, बोल ऑल लिक्विड्स रहा एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। ए सॉलिड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। सॉलिड कैसे करता है? वेट की वजह से। पर मैं अभी ठीक 2 मिनट में आता हूँ। है, ठीक है, पर जो लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का भी वेट होता है। एंड दे ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इंक्लोज। तो दो जगह प्रेशर लगाते हैं, एक तो जमीन पे लगाते हैं और चारों तरफ जो दीवार होती है, क्योंकि वो बेचारे एक जगह ठहरे नहीं होते, तो थोड़ी थोड़ी देर में इधर इधर सामने टकराते रहते हैं, हर तरफ टकराते रहते हैं। ठीक है, प्रेशर एग्जर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सब डायरेक्शन से प्रेशर लगता है। कैसे लगता है? सब डायरेक्शन में लगता है। अब आते हैं बॉयंसी पे। बॉयंसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हैव यू एवर हैड ए स्विम इन ए पूल एंड फेल्ट लाइटर? कहिए, आपने स्विमिंग हल्का लगा आपको? ओके, हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ द वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर? जब जब तक वो रस्सी पानी में होती है ना, तब तक बड़ी स्पीड में हम खींचते हैं, पर जैसे ही बाहर आ जाते हैं बड़ा भारी हो जाता है। यार ये तो बहुत भारी है। ठीक है, क्यों? Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in a sea water, but whether same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink? ठीक है, These questions can be answered by taking buoyancy in consideration. Let us understand the meaning of the buoyancy by doing an activity. Take an empty plastic bottle. क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विद द एयर टाइट स्टॉपर, या ढक्कन ही बंद कर दो उसको, और उसको पानी बकेट जिसमें पानी भरा पड़ा है उसमें उसको डाल दो। यू सी दैट द बॉटल फ्लोट्स, पुश द बॉटल इन टू द वॉटर, उसको पुश करो फिर भी बाहर आ जाएगी वो। यू फील एन अपवर्ड पुश, ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। दिस इंडिकेट्स दैट वॉटर एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन द बॉटल, और किस डायरेक्शन में? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द बॉटल इज पुश्ड डीपर।
जैसे जैसे आप उसको नीचे डालते जा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या बोलते हैं प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है उस पर। ठीक है, अभी आपने एक सुना होगा टाइटैनिक देखने गए थे कुछ करोड़पति लोग, सुना है वो उसके बारे में आपने, हाँ आपने देखा होगा बहुत करोड़पति लोग थे वहां पे, मतलब बोलते हैं टाइटैनिक को देखने जाने के लिए। टाइटैनिक टाइटैनिक का जो मलबा था, जो टाइटैनिक सिंक हो चुकी है उसके मलबे को देखने के लिए कितना, 3 करोड़ रुपए ऐसे कुछ लिया जाता था, $250,000, टू फिफ्टी थाउजेंड करोड़ $250,000, अच्छा $250,000 $250,000, तो वो करोड़ों में हो जाता था, 3-4 करोड़ या पता नहीं कितने रुपए बनते थे। बहुत तो एक मतलब एक छोटी सी पनडुब्बी टाइप की होती थी, छोटी सी, सर। उसको एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर से यूज वो करा और जाता इसमें था। एक देखने के लिए जगह होती थी और बस इसमें बैठने के लिए जगह होती थी, आप चल फिर नहीं सकते थे इसमें, सिर्फ बैठ के आप जाओगे नीचे, 5 लोगों की जगह और थी। ये एक रस्सी से कंट्रोल होता था, इसकी एक मदरशिप होती थी ऊपर, ये मदरशिप इसको नीचे तक लेके जाती थी और उसके बाद थोड़ा सा छोड़ती थी तो थोड़ी दूर तक ये खुद ही अपना गाइडेंस के साथ जाती थी और फिर वापस आती थी, मदरशिप इसको खींच लेती थी। पर इसका ये टांका जब टूट जाता है, टूटता नहीं है मतलब ये अलग ही हो जाती है जब नीचे जा रहे होते हैं ना देखने के लिए। तो अब अभी अभी तुमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं वैसे वैसे अप थ्रस्ट ज़्यादा लगता है, तो इस पे भी फोर्स लगा और उतना फोर्स लगा कि अंदर की तरफ दब गई, ऐसे एक कोलेजन होता है अंदर से एक्सप्लोड करना और एक होता है बाहर से अंदर की तरफ दबना, तो बाहर की तरफ से कागज़ की तरह ऐसे, जैसे कागज़ को हम फोल्ड कर देते ना ऐसे फोल्ड हो गई, अंदर जितने लोग थे, इसका जो ओनर था कंपनी का, जितने लोग भी थे सारे के सारे गायब हो गए, पता ही नहीं चला, लाशें तक नहीं मिली उनकी, इतना बुरा हाल हो गया, खत्म हो गया सब। पर ये बहुत वो था फालतू का, हाँ मतलब इसको बहुत ही एक्सबॉक्स कंट्रोलर से एक तो कंट्रोल था। हाँ हाँ मतलब इतने तो जरूरत क्या होता है पैसा बेटा, लगा। जरूरत ये होता है कि, और उसमें एक बेटा तो डर भी रहा था, माँ बाप का इकलौता बेटा, बहुत ही अमीर फैमिली का था, बाप बेटे दोनों खत्म हो गए, लड़का 18-19 साल का ऐसे था, बहुत वो नहीं था, उसका बाप उसको जबरदस्ती, चल बेटा टाइटैनिक का मलबा दिखाऊंगा। यार एक्सीडेंट तो होते हैं, किसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है तो ऊपर वाले को ही पता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश। अब आपका सवाल था कि क्यों देखने गए थे, क्या होता है बेटा कि हम लोगों के अंदर में ना अपने आप को दूसरों से अलग करने का एक कीड़ा रहता है, सबके अंदर रहता है, तो सोचते हैं कि यार मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, तो होता है कि यार चलो पैसे हैं खर्च नहीं हो रहे हैं तो क्या करते हैं, चलो यार टाइटैनिक का मलबा दिखाते हैं, ठीक है चलो यार ये कराते हैं, चलो माउंटेन पे चढ़ जाते हैं। एक लेडी थी उसको तो ट्रेन से फेंक दिया था लोगों ने, पता है तुम्हें, चलती ट्रेन से फेंक दिया, रात भर उसके पैर पे मतलब कीड़े वीड़े खाते रहे, उसका पैर का एक्सीडेंट हो गया, खून वून बहता रहा, एक दो दिन तक पड़ी रही, फिर उसको पुलिस वालों ने ढूंढा कैसे तैसे बचाया, फिर वही लड़की प्लास्टिक नहीं आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ एवरेस्ट पर चढ़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अभी उसको कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिला। तो ऐसे भी लोग हैं, तो हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने आप को अलग करने के लिए चाहता है, तो मैं दूसरे भेड़ चाल में ना रहूं, मैं उनसे अलग रहूं, कुछ लोग भेड़ चाल में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, कुछ उनसे अलग निकल जाते हैं, तो इसलिए वो चला गया। तो हमने देखा कि पानी जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है, द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाई द वॉटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द बॉटल इज पुश्ड डीपर टिल इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, नाउ रिलीज द बॉटल, जैसे ही छोड़ोगे इट बाउंसेस बैक टू द सर्फेस, तुरंत वापस आएगी। डज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल, क्या उस बॉटल पे ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, लग रहा है, इफ सो Why doesn't the bottle stay immersed in the water after it is released? How can you immerse the bottle in the water? कैसे कर सकते हैं? अभी उसी बोतल को छोड़ दो, ढक्कन खुला छोड़ दो, तो चली जा रही है, ठीक है आगे देखो। The force due to the gravitational attraction of the earth acts on the bottle in the downward direction. So the bottle is pulled downwards, but द वॉटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल, दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड्स, वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, वेन द बॉटल इज इमर्स्ड, जब बॉटल नीचे है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई द वॉटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर देन इट्स वेट, जब बॉटल अंदर डालते हैं हम लोग तो जो फोर्स लग रहा है उसके वेट से ज्यादा है,
क्योंकि उसके वेट से ज्यादा है इसलिए वो उस पर तैर रही है, देयर फोर इट राइजेस अप व्हेन रिलीज्ड। दो फोर्स हो गए, एक फोर्स नीचे लग गया एमजी और एक फोर्स ऊपर लग गया पानी की वजह से, ठीक है। टू कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्ज द अपवर्ड फोर्स ऑफ द बॉटल ड्यू टू द वॉटर मस्ट बी बैलेंस्ड। क्या मतलब, ऊपर अगर वो रखी गई है तो उसका वो फोर्स बैलेंस हो रखा है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। दिस फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई द वॉटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स, ठीक है। जो फोर्स नीचे से बॉटल पे ऊपर लगा तो हमने क्या बोला, अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स बोला, ठीक है। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। इस बात को लिख लो यहां से, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। और बॉयंसी कौन सी डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट ठीक है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, ठीक है। व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। लेट अस डू एन एक्टिविटी, फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अराइव एट द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। टेक ए बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ऑब्जर्व वट हैपन्स। तो बीकर को पानी के साथ लिया, आयरन ले ली और उसमें डाल दिया, तो बेटा डूबी जाना, ठीक है। देखो ऐसे खट्टे से डूब गई, ठीक है। द नेल सिंक्स, नेल ने क्या कर दिया, डूब गई बोला। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स। तो ये नेल क्यों नीचे डूब गई, क्योंकि ग्रेविटेशन अंकल ने बोला कि भैया आ जाओ नीचे। अब बीच में यहाँ पे जो क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके इसके सरफेस पे रुक गई, ठीक है। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ द वॉटर ऑन द नेल। इस पे भी अपथ्रस्ट है, लेकिन जिस पे जो अपथ्रस्ट लगा है, अपथ्रस्ट जो लगा है इस पे वो कम लगा है। विच पुशेस बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वॉटर ऑन द नेल। जो अपथ्रस्ट इस पे लगा है वो कम है, सो इट सिंक्स। फिर इन्होंने कॉर्क ले लिया एक, ठीक है। कॉर्क हमेशा लेते हैं, कॉर्क मैं पहले बचपन में सोचता था कॉर्क है क्या, ये लकड़ी है क्या है। फिर पता चला क्रिकेट खेलते हैं ना उसमें कॉर्क की बॉल होती है, तो वो लकड़ी टाइप ही होता है, कोई मटेरियल होता है, तो उसी को ही कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। मैं सोचता था कॉर्क क्या है, ऊपर तो लेदर होता है, अंदर उसके कॉर्क होता है, ठीक है। वही कॉर्क है, उसी को अलग अलग शेप में डाल देते हैं, नहीं तो मैं पक गया था केमिस्ट्री में। मैंने कहा एक कॉर्क है क्या है, चला हर जगह कॉर्क लगा देते हैं, मुंह पे कॉर्क लगा देते हैं, इस पे कॉर्क लगा देते हैं। टेक ए बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक ए पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन नेल ऑफ इक्वल मास, प्लेस देम ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। द कॉर्क फ्लोट्स While the nail sinks, this happens because of the difference in their densities. तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है, इसलिए एक डूब जाता है और एक ज्यादा है वो डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो तैरता रहता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को लिख लो यहां से। तो हमने डेंसिटी को क्या बोला बेटा, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, वैसे किससे करते हैं, रो से, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पी बनाते हैं बेटा और थोड़ा सा झुका देते हैं उसको ऐसे, ठीक है। तो रो क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अभी हमने फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया किया था, याद करो, अभी हमने क्या किया था, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया किया था, वो क्या है, प्रेशर है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, मास, फोर्स में मास, यानी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हट गया और नीचे जो एरिया था उसमें एक डायमेंशन और जुड़ गई, तो वॉल्यूम आ गया। तो
ये क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वॉटर, दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वॉटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क सो इट फ्लोट्स। द डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वॉटर, दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वॉटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल सो इट सिंक्स। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ ए लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए लिक्विड सिंक इन द लिक्विड। ये इतना लिख लो, ये सवाल पूछा जाता है, वाई एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स वाई एन ऑब्जेक्ट सिंक। तो पहले वाली लाइन जो है वो फ्लोट के लिए है, थोड़ा बोल बोल के लिखा करो ताकि याद भी होता रहे सर। जितने सेंसरी ऑर्गेन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज को लेने में उतनी ही ज्यादा वो चीज याद रहती है। आगे बढ़े, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, वट डू यू मीन बाई बॉयंसी, वट डज वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस। तीनों के जवाब लिखवाए जा चुके हैं, बॉयंसी आपने लिख दिया है, अब थ्रस्ट फोर्स ये भी लिख दिया है, सिंक और ऑब्जेक्ट अभी जो दो लाइनें लिखी थी। और ये किस लिए होता है, क्योंकि स्ट्रैप बहुत कम एरिया घेरते हैं तो जो प्रेशर लगता है कंधे पे बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर वो पतला है तो समझो, अगर समझ लो तुम्हारा बैग एक रस्सी का ही बना है, कंधे उसके रस्सी के हैं और इन बाजुओं पे अगर उस रस्सी का वेट लेना होगा तो बाजू में निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें एरिया ज्यादा चाहिए इसलिए मोटा स्ट्रिप होना चाहिए और उसमें फोम भी डाल देते हैं। हाँ बोलो अबीर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत मशहूर है, आर्किमिडीज भी उनकी भी कहानियां है अपनी, उसको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, टेक ए पीस ऑफ ए स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ द रबर स्ट्रिंग और ए स्प्रिंग बैलेंस। एक पत्थर लिया इस तरीके से और इलास्टिक पर बांध दिया इसको, किससे बांध दिया, इलास्टिक से बांध दिया या फिर स्प्रिंग से बांध दिया इसको। सस्पेंड द स्टोन बाई होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर 10.6। नोट दैट द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। ठीक है, ये समझे आप, इसमें इसमें क्या बोला इसने, जैसे स्प्रिंग होती है ना बेटा आपकी, ये अभी टेंशन फ्री है, पर इसके मैंने नीचे अगर ये बांध दिया कुछ तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब जैसे ही मैंने कुछ बांधा तो ये आपका ऐसे 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 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब ये नहीं था तो ये ऐसे था, जैसे ही बांध देंगे स्प्रिंग खुल जाती है। अब मान लो तुमने इसको पानी में डाला तो ये ऐसे ही नीचे जानी चाहिए पर ऐसे नहीं जाती, जैसे तुम पानी में डालोगे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी तो ये थोड़ी सी फोल्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा, ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा। इसने यही बोला कि नोट द इलोंगेशन कि कितना वो बढ़ रही है या घट रही है ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वॉटर, डाल दो इन ए कंटेनर एज शोन इन द फिगर 10.6b। इसको देखो, इन्होंने पहले देखा कि कितनी खुली है, हाथ में कितनी है, तो जब पानी में डाल रहे हैं तो उतनी ही रहनी चाहिए, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे थोड़ी सी वो फोल्ड हो जाएगी तो और एक्स्ट्रा हाथ में आ जाएगा। ऑब्जर्व द इलोंगेशन ऑफ द रबर स्ट्रिंग ड्यू टू द वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर, द इलोंगेशन डिक्रीजेस। जैसे ही यहाँ से यहाँ पे गए तो इलोंगेशन डिक्रीज हो गई, ये बात समझ में आ रही। पानी में डालते ही पहले जैसे इतना पोर्शन ही अलग हुआ था, सिर्फ इतना लेंथ ही अलग था, अभी इतना तो है ही, इतना और मिल गया एक्स्ट्रा। समझ में आ रहे, मतलब ये पिक्चर में उतना नहीं समझा पा रहे हैं पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रस्सी को अब इसको नीचे से पकड़ना पड़ा। ठीक, क्यों,
ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रीडिंग ऑन द बैलेंस. यू विल फाइंड दैट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वॉटर. जैसे ही पानी में डालते हैं उसका वजन कम हो जाता है, उसका मास, उस पर जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मेरे पे एक फोर्स लग रहा है अभी. जैसे मैं पानी में जाऊंगा, पानी मुझ पर एक फोर्स ऊपर लगाएगा, तो जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगा. पहले फोर्स कितना था? एम जी. में से क्या माइनस कर देंगे? बॉयंसी. क्या माइनस कर देंगे? बॉयंसी. हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन गेट्स फुल्ली इमर्ज्ड. एक बार जब वो पूरा अंदर चला गया तो अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई चेंज नहीं है उसमें. वट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? वी नो दैट द एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन. इसकी वजह से है, स्टोन के वेट की वजह. सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन वॉटर, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन. एलोंगेशन डिक्रीज हुआ यानी नीचे से कोई ना कोई फोर्स लगा. एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस एंड हेंस द एलोंगेशन ऑल्सो डिक्रीजेस. एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाई वॉटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी. देखो बेटा क्या हुआ इसमें कि मान लो आपकी एक रस्सी है यहाँ पे या कोई भी एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में ये स्प्रिंग ऐसी है, जैसे ही इस स्प्रिंग में हम मास डाल दे देंगे तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी खुल जाएगी. लेकिन इसी चीज़ को जब हम पानी में डाल देंगे वापस, तो ये जो खुलापन था इसका ये और कम हो जाएगा वापस. ठीक है, ये क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पानी ने इस पर एक फोर्स लगाया. किसी भी ऑब्जेक्ट पे हर समय एक फोर्स लग रहा होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से किसी भी मास पे हर समय नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है. उसी फोर्स को हम वेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेट. तो मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? वेट आ गया. लेकिन जैसे ही वो वेट किसी पानी में घुसा तो पानी ने उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाना शुरू किया. ठीक है, पानी में लिक्विड था, लिक्विड ने उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाना शुरू किया और तब तक लगाता रहा जब तक कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर नहीं चला गया. एक बार वो पूरा चला गया तो अब फोर्स लगाना बंद कर दिया. तो जो अपवर्ड फोर्स लगाया, इसने बोला अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर जो ऊपर की तरफ लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं. तो बॉयंसी क्या है? अपवर्ड फोर्स है जो कि एक लिक्विड लगाता है इस पे, उस ऑब्जेक्ट पे जो उसमें इमर्ज्ड है, चाहे पार्शियली चाहे फुल्ली. ठीक है, और तुम्हें पता है इसी फोर्स की मदद से आर्किमिडीज एक टब में नहा रहा था. उसको एकदम से आया, मतलब ऐसे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सा टब था उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, वो उसमें गया कूदा और पानी बाहर आया. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो वैसे ही बिना कपड़ों के यूरेका यूरेका, मतलब वो जो ग्रीक की भाषा थी, उसमें चिल्लाते हुए भागा राजा के पास. क्योंकि राजा ने उसको एक टास्क दिया था. उसने बोला मेरे को जो मुकुट बना के दिया है ये, मैं चेक कैसे करूं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है. हैवी ने बॉयंसी से उसने निकाला. हैवी तो आपको कैसे पता कि कितना सोना उसमें लगा है? मापदंड क्या है उसका? मान लो मैंने तुम्हें एक मुकुट दे दिया, मैंने बोला लो 1 किलो का मुकुट है, ये सोने का बना है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा ओरिजिनल सोने का बना है, इसमें मिलावट नहीं हुई है? तो एक ही तरीका है उसका, क्या है बताओ? उस समय तो हॉलमार्क होता नहीं था कि हॉलमार्क ने बोला कि भैया ये देखो ISI मार्क है, ISO 9001 है, हॉलमार्क है. ऐसा तो नहीं होता था, ये तो आजकल आया है. तो उस समय क्या होता था? उस समय भरोसे पे ही करते थे. क्या एकमात्र तरीका था? उसको पिघला दो. तो पिघला दोगे तो मुकुट की जो फिनिशिंग है वो खत्म हो जाएगी. और जब तुम उसको पिघला रही हो तो तुम चेक भी तो कर रही हो उसको, सामने वाले को. तुम किसी की दुकान में जाओ, उसने बोला ये कपड़ा बड़ा मजबूत है, तुम ऐसे फाड़ के देखने लगो उसको
बोले क्या, अरे सर इतना भी मजबूत नहीं है, ऐसे ऐसे करते ना लोग, कुछ लोग तो होते हैं ऐसे पटक देते दिखाने के लिए, देखो सर ये नहीं टूट रहा है, इतना खतरनाक है। तो ऐसे ही किसी की इज्जत रखने के लिए उसके सामने पिघलाया भी नहीं जा सकता, पर बाद में पिघलाएंगे और असली निकल गया तो बेइज्जती भी हो जाएगी। तो बिना पिघलाए ये पता करना कि ये सोना प्योर है कि नहीं प्योर है, बॉयंसी से ही उसने पता किया। इसकी कहानी भी आएगी अभी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी? पहले ग्रेविटी, ग्रेविटी बेटा धरती माँ जो नीचे की तरफ प्यार करती ना, आपको पुकारती, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ कूदते हो तो धरती माँ नीचे की तरफ आपको खींचती है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लग रही है? इज इट द सेम इन ऑल द फ्लूइड्स ऑफ फॉर अ गिवन बॉडी? डू ऑल बॉडीज इन ए गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बॉयंट फोर्स? तीनों चीजों को समझो। पहला सवाल आया मन में कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बॉयंसी का मैग्नीट्यूड निकालें कैसे, है ना? फोर्स लग तो रहा है, मान ली भाई बात, कितना लग रहा है, कैसे मान लें इसको, कैसे नापें, क्या ये सेम है सभी लिक्विड में? मान लो कि दूध है, दूध में गिरा दिया, पानी में गिरा दिया, ऑयल में गिरा दिया, क्या सब में सेम है? क्या सारी बॉडीज जो भी फ्लूइड में होती हैं सब पे बॉयंट फोर्स लगता है? टू आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंटेन्ड इन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज स्टेटेड फॉलोज। इसको तो पूरा पूरा लिख लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ठीक है, कई लोगों को समझ में नहीं आता, पहले लिख लो तो। हाँ बताओ। नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है, नहीं होगा, फिर खत्म हो गया ना चैप्टर। चैप्टर खत्म भी होने वाला है। हाँ इसकी फोटो है बस, ठीक है चैप्टर खत्म हो रहा है, लिख लो भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लो। ये 11वीं में फिर पढ़ने को मिलता है, हवाई जहाज वगैरह नहीं, पता नहीं और कौन कौन सी चीजें। हाँ नहीं, हवाई जहाज का इससे लेना देना नहीं है, पर है कुछ ना कुछ, बोलते हैं बॉयंसी पे उड़ता है या कुछ ना कुछ तो है, बॉयंट फोर्स कहीं ना कहीं आता है। सर जी फोर्स सुना है मैंने, जी फोर्स तो वो तो उसमें लग रहा ना, रावण मूवी में था। उसका है जी फोर्स कुछ एक जी, और? उसमें एक जीवन था, एक जीवन नहीं था, एक नहीं एक नहीं रावण नहीं था। नहीं जी फोर्स कुछ और होता है। जी फोर्स क्या होता है? सर जी फोर्स होता है जब जैसे पायलट जो होते हैं हाँ वो एक्सपीरियंस करते हैं जी, मैं भूल गया तो वो जी, वो ग्रेविटी। जो सूट पहनते हैं उसको जी सूट बोलते हैं शायद। हाँ तो पायलट्स पहनते हैं वो हाँ जी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं हाँ जिससे तुम अनकॉन्शियस वगैरह। समझ लिया क्या मतलब हुआ इसका? तो मान लो बच्चों कि ये हमारा वाटर टैंक है और ये पूरा का पूरा पानी से भर गया। किससे भर गया? पूरा का पूरा वाटर टैंक पानी से भर गया, ठीक है? और ऐसे समझो कि एक 2 किलो का सामान, 2 किलो का सामान मैंने इसमें डाला, ठीक है? रस्सी से, ये रही रस्सी, ये रहा एकलव्य का अंगूठा जो कि बाद में कट गया था, और ये रस्सी को पकड़ के है, रस्सी को पकड़ के इसने 2 किलो का सामान इसमें डाल दिया। ये जो 2 किलो का सामान था जब इसके अंदर गया तो अब ये 2 किलो का नहीं है, अब इसका वेट कम हो गया है। कितना कम हो गया है? तो हम बताओ, तुम जितना बोलोगे उतना कम मान लूंगा मैं। कितना कम कर दूं? नहीं तुम बताओ। अरे कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तुमने आज जो फ्रूट खरीदा होगा उसी का वेट बता दो। आधा किलो, तो 500 ग्राम वजन कम हो गया। 500 ग्राम क्या हो गया? वजन कम हो गया, यानी जब ये इसमें गया तो अब इसका वेट कितना हो गया यहाँ पे?
1.5 kg, ठीक है, ये बात समझ गए, यहां तक का ये मतलब है, यहां तक। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए लिक्विड, इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। यहां तक समझ में आ गया पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। तो ये जब इसमें लिक्विड गया होगा बेटा, जब ये इसमें अंदर डाला होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जगह थी अंदर, पानी तो ऊपर तक भरा हुआ था, तो पानी कुछ ना कुछ गिरा होगा, छलक के पानी गिर गया होगा। तो जो छलका हुआ पानी है, मान लो उसको हमने किसी दूसरे बकेट में इकट्ठा कर लिया, दूसरे बकेट में इकट्ठा कर लिया। बताओ 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 क्या क्या समझी? अरे अभी क्राउन पे नहीं, पहले ये समझिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्राउन पे आएंगे बेटा अभी। तो ये जो जितना पानी बाहर गया है, ये कितना पानी है, इस पानी का मास कितना होगा? नहीं नहीं जितना कम हुआ था बेटा, हाँ 500 ग्राम होगा, 50 ग्राम नहीं होगा, ठीक है। जितना वेट कम हुआ उसका, उतना ही पानी बाहर चला गया, उतने ही मास का, नहीं सॉरी, हाँ उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर जाएगा, जिसका जिससे कि उसका मास इसके बराबर हो जाए। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। ये समझ में आ गया? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट। जो फोर्स उस पर लगा है, कितना लगा, 500 ग्राम का लगा। तो ये जो फोर्स, मतलब ऐसे समझने के लिए समझ लो कि वैसे फोर्स तो इतना इंटू 10 9.8 करना पड़ेगा ना, लेकिन वैसे समझ लो कि जो इसके वेट में बदलाव हुआ होगा, उतना ही अमाउंट का, उतना ही ग्राम का पानी बाहर आया होगा। समझ में आ गया आपको? आए बेटा समझ में अबीर? नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई ए फर्दर डिक्रीज इन इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग वॉज नॉट ऑब्जर्व। क्योंकि अब तो पानी में वो जा चुका है पूरा, तो अब पानी में कितना भी चला जाएगा तो पानी बाहर आएगा नहीं, तो फर्दर इलोंगेशन नहीं होगा। एज द स्टोन वॉज फुल्ली इमर्स्ड, आते हैं आर्किमिडीज पे। आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर हिम, आफ्टर नोटिसिंग दैट वाटर इन ए बाथ टब ओवरफ्लोड वेन ही स्टेप्ड इन टू इट। He ran through the streets shouting, "Eureka, Eureka!" which means "I have got it." This knowledge helped him to determine the purity of the gold in the crown made for the. तो हम बोलेंगे भैया कितने, मान लो मैंने 1 किलो सोना दिया, बोला भैया 1 किलो सोना है, तो 1 किलो सोने को जब आप उसमें डालोगे और 1 किलो के क्राउन को जो डालोगे, तो दोनों में से जो पानी बाहर आएगा वो सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है। लेकिन देखा भैया क्राउन में तो मिलावट करी गई है, ठीक है। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स मेड हिम फेमस, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर्स पुलीज व्हील्स एंड एक्सेल हेल्प द ग्रीक आर्मी इन इट्स वॉर विद रोमन आर्मी, ठीक है, पहियों वहियों पे एक्सेल पे अच्छी नॉलेज थी उसको। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी एप्लीकेशंस, इट इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स, submarines, lactometers, which are also used to determine the purity of the sample of milk, and hydrometers used for the determining the density of liquids are play based on this principle. ठीक है, हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, नहीं तो आमतौर पर तुम देखोगे कि पेट्रोल लेने जब हम जाते हैं वहाँ लिखते हैं 100% प्योर, ठीक है। अब वो प्योर है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे हम लोग? जब पी के ऐसे तो करेंगे नहीं, तो हाइड्रोमीटर से ले जाके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg एंड द वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार ईच ऑफ इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर्ड ऑन द वेइंग मशीन, इन रियलिटी वन इज हैवियर देन द अदर, कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई? हाँ मतलब भारी है, छोटी सी एरिया में भारी हो जाएगा, 100 किलो उठाने में मुश्किल लगेगा,
लेकिन उसने सरफेस एरिया इतना लिया होगा, उठाने में तो वो भी मुश्किल होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो आसान हो जाएगा। ठीक है चलो, रिलेटिव डेंसिटी ये तुम्हारी बुक में नहीं है, थोड़ा सा ये खत्म है चैप्टर। क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं बस डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है इतना ही करना है। एज यू नो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या है यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे? रो क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है? kg। वॉल्यूम कितना है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर आमतौर पे बेटा हम लोग इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि केजी वेजी में बड़ी दिक्कत आती है सवालों में, तो इसमें सीजीएस सिस्टम पे भी काम कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन रिमेन द सेम, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, देख लो इसका मतलब समझ लो कितना है। सबसे भारी मेरे ख्याल से गोल्ड ही होता है। ठीक है मैं समझाता हूँ एक प्रकार से, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये मान लो बच्चों 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है। इसमें जब तुम सोना भर दोगी इसको, इस पूरे डब्बे को, सिर्फ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, सोचो कितना है 1 मीटर? इतना ही तो होता है। इतना ऊंचा इतना चौड़ा डब्बा, उसमें गोल्ड भर दिया, कितना किलो का हो गया? उठा ही नहीं पाएगा कोई। 19,300 किलोग्राम का। कितना हो गया? 19,300 किलोग्राम का। 1 लीटर की जो बोतल होती है ना, 1 लीटर की जो बोतल होती है उसका मास कितना होता है तुम बताओ? पानी तो उठाती हो डेली, 1 लीटर की बोतल का मास कितना होता है? नहीं पता? करीब करीब 1 किलो, करीब करीब 1 केजी के आसपास होता है। पर अगर वही 1 किलो सोना भरा होता, अगर उसमें 1 किलो नहीं, उसी बोतल में सोना भरा होता, तो उसका मास पता कितना होता? 19.3 केजी, 20 किलो। तो अगर जिम जाना है तो 19.5 किलो के, मतलब एक बोतल में पान वो भर दो सोना, और 20 किलो का डंबल बन जाएगा तुम्हारा। बोले क्या उठा रहे? बोला सोना उठा रहा। बोला कैसे? बोला कल 50,000 था, आज 55,000 रुपया हो गया है, सोना उठा दिया मैंने। ठीक है समझ में आया? द डेंसिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। डेंसिटी अगर पता है तो उसकी प्योरिटी पता चल जाएगी। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ द वॉटर, क्योंकि वाटर की क्या होती है? वाटर की होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितना होता है? 1 किलो। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ टू दैट ऑफ वाटर, यानी 1 से ही डिवाइड करना है उसको। तो जो उसकी डेंसिटी है उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं एक प्रकार से। बस उसमें यूनिट नहीं होती, उसमें क्या नहीं होती? यूनिट नहीं होती, तो कंपैरिजन के काम आ जाती है। सबका याद नहीं कर सकते तो कंपैरिजन के काम आ जाती है। सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट। एक क्वेश्चन है देख लो, सोल्यूशन भी दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है? 10.8। तो पूछा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3 kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो आप क्या करोगे? रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 10^8। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का ये आ जाएगा 10.8। कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी डेंसिटी आ जाएगी किसकी? सिल्वर की। समझ में? बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, पूछा नहीं जाएगा। डर नहीं, कोई डर नहीं। जब है ही नहीं कोर्स में। तो ये आज की क्लास में हमारा चैप्टर हो गया खत्म। तो आज यहीं खत्म करें और कुछ शुरू करना है? खत्म कर।
तो मेरे सारे यूट्यूबर्स, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।